हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है लो सीजन। कहानी की शुरुआत में हम एक लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कार से कहीं जा रही थी। वो किसी को मैसेज कर बताती है कि ड्राइवर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो तुरंत गाड़ी से उतरती है एंड ड्राइवर वहाँ कह रहा था, यहाँ पर रात बिता रही हो, उम्मीद करता हूँ आपकी किस्मत अच्छी हो। वो पूछती है, क्या मतलब? एंड वह हम जगह का नाम देख पाते हैं, डियाओ डोई, जो कि एक होटल था। तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आता है जिसने चप्पल तक नहीं पहनी थी। वो कहता है, मेरे पैर में फंगस है, डॉक्टर ने पानी में भीगने से मना किया है। फिर वो उसे कहता है, मेरे पीछे आओ। वो उसे उसके रूम दिखाता है। तभी लिन ग्रीनसर एक फंदे पर पड़ती है। वो कहता है, डरावना है। लिन कहती है, हाँ। फिर वो कह रहा था, ये मेरा खिलौना है। और फिर वहाँ वो अपना झूला लगाकर वहाँ पर झूलने लगता है। वो कहता है, मैं अपने कजन के फ्यूनरल के लिए जा रहा हूँ। वो शिकार करने गया था और कभी वापस नहीं आया। हमने उसकी बॉडी ढूंढी जितने दिनों में सड़ चुकी थी। लिन कहती है, और बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और अपने फ्रेंड से बात करती है जहाँ उसके दोस्त उसे कह रहे थे, ये रूम तुम्हारा है। वो कहती है, काफी पुराना सा है। लिन की दोस्त वहाँ उसे कह रही थी, ऐसा लगता है वहाँ किसी की मौत हुई हो। जिस पर लिन कह रही थी, बस करो और मैं डराऊँ। तभी लिन को याद आता है वो लॉर्ड बुद्धा के लॉकेट को भूल गई है। एंड तभी वो फोन कट कर देती है। इसके बाद लिन ब्रश करी थी एंड तभी कोई गेट पे नॉक करता है। लिन डरती है और देखने जाती है, और वो जब गेट खोलती है तो वहाँ पर किसी के गीले पैरों के निशान थे। और तभी उसे उस आदमी की बात याद आती है जो बता रहा था उसका कजन कैसे मरा था। वो डर कर अंदर भागती है और चादर ढककर बैठ जाती है। तभी उसकी छत पर एक लिजर्ड आ गया था जिसे डर कर वो भाग जाती है। और आसपास वो मदद मांग रही थी पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो वापस अपने रूम में आती है जहाँ वो एक घोस्ट को देखती है जो कहता है, ये लिजर्ड उसकी बात करियो। लेकिन बहुत तेजी से चिल्लाते हुए भागती है एंड वही डोर से उसे एक लड़का देख रहा था। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो उस लड़के को देखकर डर जाती है और हाथ जोड़कर कहने लगती है, मेरा पीछा छोड़ दो। इस पे वो लड़का कह रहा था, ज़्यादा ड्रामा मत करो, ठीक है? इस लड़के का नाम था पुट। फिर वो अपना चश्मा लगाती है और कहती है, वो इंसान है, कोई भूत नहीं। जो आदमी उसे लाया होता है वो कह रहा था, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें बाहर सोना पसंद है। फिर वो पुट से भी पूछता है, क्या तुम सही से सोए? वो कह रहा था, मैं पूरी रात जागता रहा, किसी ने टीवी बहुत तेज चला रखा था। लेकिन कहती है, तुम मेरे बारे बात कर रहे हो ना? वो कहता है, हाँ, मेरा मतलब तुमसे ही था, क्योंकि मैं बारिश में भीगकर तुम्हारे पास आया था और तुमने गेट खोला ही नहीं। तभी लिन को याद आता है वो पैरों के गीले निशान इसी के होंगे। वो पूछती है, मैं बाहर आई थी पर वहाँ कोई नहीं था। तभी वो आदमी लिन से कह रहा था, हल्का नाश्ता कर लो, बेहतर लगेगा। और फिर वो कहता है, मौसम अच्छा है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें गाने सुनाता हूँ। एंड फिर वो आदमी गाना गाता है। बट वहाँ से उठकर चला गया था। एंड इसके बाद वो एक गाड़ी वाले के पास जाती है और वो उसे कह रही थी, मुझे क्यों मेरे के पास जाना है। वो ड्राइवर कहता है, मैं नहीं जा सकता। एंड ड्राइवर वहाँ बताता है वो उस लड़के को लेकर जा रहा है। लिन पूछती है, क्या कोई और गाड़ी है? वो कहता है, नहीं। वो पुट के पास आती है और उसे बताती है कि आखिर उसे कहाँ पर जाना है। एंड ये भी, क्या वो उसके साथ चल सकती है? पुट कह रहा था, मैं 2000 रुपये लूँगा। वो कहती है, मैं 1000 दे सकती हूँ। लेकिन उसका कहना था 2000 फाइनल प्राइस है। इसके बाद दोनों साथ में उस जगह पर जाते हैं एंड वहाँ वो चल रहे होते हैं। तभी लिन को कुछ पास्ट की यादें आती हैं और वहाँ वो तेज तेज रोने लगती हैं। पुट उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था एंड वहाँ खड़े कुछ टूरिस्ट उसे देखने लगते हैं। जैसे लिन लोगों को देखती है वो चुप हो जाती है। इसके बाद लिन अपनी कहानी पुट को बता रही थी, आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि अगर उसे कोई भी लड़का प्रपोज करता तो वो डर कर उसे छोड़ देता, क्योंकि वो भूतों को देख सकती है। लेकिन वह कह रही थी, भूतों को देखने में क्या गलत है? पता नहीं, तभी लोग उसे डर जाते हैं। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं किसी को भी इस बारे में बताऊँ ही ना कि मैं भूत देख सकती हूँ। फिर वो आगे की कहानी नरेट करती है कि मैं एक दिन टॉर से मिली, जो कैंपस का सबसे स्मार्ट लड़का था। हम 3 साल साथ रहे। ग्रेजुएशन के बाद वो एक सुपरस्टार बन गया, उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए और मैं एक कॉल सेंटर में काम करती थी। टॉर लिन मूवी देखने एक दिन जाते हैं। जलिन को बार बार भूत दिख रहे थे जिससे परेशान और अनकंफर्टेबल होकर लिन बाहर आ जाती है। वहाँ पर एक लड़की टॉर के पास आकर पूछती है, ये कौन है? टॉर कहता है, मेरी बहन। इस बात को सुन लिन को बहुत बुरा लगता है कि टॉर तो उसे अपनी फीमेल फ्रेंड तक नहीं मानता। गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद लिन न्यूज़ देखती है जब टॉर के अफेयर की न्यूज़ दिखाई जा रही थी। उसकी दोस्त उससे कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो अपनी दोस्त की बात मानती है और कहती है, ये वही ख़त्म होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। फिर लिन पुट से कह रही थी, फिर मैं यहाँ आ गई। पुट पूछता है, तुम्हारा स्टॉप आ गया? लिन कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ आने दो। इसके बाद लिन गाड़ी में ड्रिंक करने लग जाती है। पुट उससे कह रहा था, क्या तुम्हें बीमार होना है? फिर वो उसे बैंडेज देता है
और अचानक से गाड़ी रुकती है, जिसे दोनों को तेज झटका लगता है। ड्राइवर बता रहा था कि गाड़ी के सामने पेड़ गिरे हुए हैं। ड्राइवर पुट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका हाथ बटाए। तब इलेन भी गाड़ी से उतर कर पुट के साथ फोटो क्लिक करती है। जैसे पुट इलेन को दिखता है, वैसा दिखाती है जैसे वो उसे देख ही नहीं रही थी। तभी लिन की हालत खराब हो गई थी, अब वो वॉमिट करती है। इसका पुट लिन को गाड़ी तक लाता है। एंड वालिन नशे की हालत में कह रही थी कि वो देखो, एक फादर उनका सन खड़ा है सामने। पुट कह रहा था कहाँ कोई है, लेकिन वहां समझ पाते हैं लिन को भी स्पिरिट्स दिख रही होती है। यहाँ पुट उसका नाम पूछता है और वो बताती है लिन। एंड फिर वो कह रही थी आखिर तुम्हें क्यों जानना है। तैसे पुट एक स्टोरी राइटर होता है जो स्टोरीज लिख रहा था। तभी लिन को नींद आ जाती है। एंड वहां पर पुट उसकी एक फोटो क्लिक करता है, क्योंकि पुट लिन पर ही स्टोरी लिख रहा था। इसके बाद लिन की आंख एक बेड पर खुलती है। वहां पर वो खिड़की के पास एक भूत को देखकर डर गई थी। फिर वो सामने जाकर दिखती है तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद लिन नीचे जाती है जहां पर दो लोग लड़ रहे थे। वहीं एक औरत होती है जो कह रही थी हमने 6 लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो अकेली मेहमान है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए थे उन सबका ब्रेकअप हुआ था। वो लेडी चिल्ला के सबसे कह रही थी कल अपना खाना तुम खुद बनाना, मुझे कुछ और काम पूरे करने हैं। वहां पर एक नून नाम की लड़की होती है जो कह रही थी मैं सोने जा रही हूँ। तभी एक लड़का उसे कहता है नून आलसी मत बनो, ज्यादा सोने से थकान होगी। तभी वहां पर पुट आता है एंड वहां उस लड़के से कह रहा था तुम यहाँ वापस। वो लड़का कहता है तुम एक अमीर लड़के हो ना, आखिर देखो तुम्हारे पास लैपटॉप भी है, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरा सामान उधर लेना होगा। पुट कहता है ठीक है, अगली बार तुम खुद मेहमानों को लेने जा सकते हो, अब से मैं ये नहीं करूंगा। इसके बाद रात को सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं एंड वहां पर नून बता रही थी यहाँ दी जाने वाली सारी चीजें ऑर्गेनिक और स्वादिष्ट है, क्योंकि उनके कुक जिसका नाम आउम था वो बहुत ही अच्छी है। तभी आउम आकर कह रही थी मैंने सारे खाने में MSG डाला है। नून पूछती है MSG मतलब, आउम बता रही थी ये कसावा नाम के पौधे से बनता है। तभी विटाया नाम का लड़का कह रहा था मेरी मदर कहती है खाने खाते वक्त बहस करने से अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। नून कहती है तो वहीं जाकर खाना खा लो। विटाया कह रहा था मुझे तुम्हारे साथ खाना है, मैं यही चाहता हूँ। तभी लेन पूछ रही थी हम कहाँ पर है। आउम बोलती है बट ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था इसे। इसके बाद हम आउम नून और लेन को एक साथ देखते हैं। जाऊ बोल रही थी इस सीजन में हार्ट ब्रोकन लोग ही अकेले ट्रिप पर जाते हैं। वो बता रही होती है कैसे सबका दिल टूटा है। अब वो ये भी बताती है जो सामने दिख रहा है वो मेरा होने वाला पति है, उसका नाम है ओम। वो बैंकॉक पे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो उसकी एक्स की कंपनी में काम करता है एंड जब उसके एक्स ने उसे छोड़ा तो वो बहुत हर्ट हुआ था। फिर मैंने यहाँ आके कैंप खोला और वो मुझे मिल गया। फिर ओम पुट के बारे में बता रही थी एंड वो बताती है पुट की गर्लफ्रेंड एक डायरेक्टर थी और पुट एक स्क्रीन प्ले राइटर था। वो यहाँ रिसर्च करने आया था क्योंकि उसे एक हॉरर फिल्म बनानी है। पहली बार जब वो यहाँ पर आया था उसे किसी ने भी बात नहीं की थी। फिर इन सभी को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। जेनून राजा बनती है और ओम को लड़की बनने को कहती है। दूसरे राउंड में ओम राजा बनता है और तभी नून कहती है बारिश होने वाली है अंदर चलो। ओम कहता है नहीं पहले गेम पूरा करो, इस बार मैं राजा बनाऊँ। वहाँ वो सभी बहुत इंजॉय करते हैं एंड इसके बाद लिन एक जगह पर बैठी होती है। उसके पास पुट आता है और कहता है यह जिंदगी है पागल लोगों के साथ, घूमने के अलावा यहाँ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इतने में विटाया वहाँ आता है और बताता है नून बहुत देर से बाथरूम में है। वो देखने जाते हैं और वहाँ वो नोटिस करते हैं वो ऊपर की तरफ फंसी होती है। आउम आकर उसकी मदद करती है और फिर वो बाहर आती है। जहाँ नून कह रही थी ये सीढ़ी किसने रखी, ओम कहता है ये सीढ़ी नहीं कपड़े रखने का रैक है। उसके बाद नून विटाया को बोलने लगती है तुमने मुझे सबके सामने उल्टा बोला। विटाया कहता है तुम नशे में हो। इसके बाद लिन फुट से पूछती है ये कैंप सिर्फ टम के लोगों के लिए है ना। फुट कहता है हाँ तुम्हें मिलाकर। सुबह जब लिन उठती है उसे वही घोष नजर आता है जो पहले दिखा था। लिन नीचे जाती है, जाऊम और पुट पूछते हैं तुम आखिर बड़बड़ा क्या रही हो। वो उनसे पूछती है जो उस घोष ने बोला है वही, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर लिन पूछती है सब कहाँ गए। फुट बताता है कि सब चले गए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इसके बाद ये दोनों एक पुरानी सी स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ता बहुत खराब था एंड दोनों आगे जाकर कीचड़ में गिर जाते हैं। फिर उनकी स्कूटी भी स्टार्ट नहीं होती एंड इसके बाद वो दोनों पुट के दोस्त के घर पे आ जाते हैं जब वो नहीं होता। पुट बोलता है शायद वो शहर गया होगा। फिर रात को वहीं रुकते हैं। एलिन कह रही थी तुम इस आदमी के पास क्यों आए हो। पुट कह रहा था वो भूत देख सकता है तुम्हारी तरह। लिन कहती है तुम मुझे देख सकते हो। पुट कह रहा था तुम भूतों देख सकती हो है ना। लिन कहता है नहीं। पुट पूछता है सुबह तुमने क्या देखा था। लिन कहती है कुछ भी नहीं। वो कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं भूतों को देख सकती हूँ तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे। बट कहता है हाँ मैं तुम्हारा विश्वास जरूर करूंगा। लिन तभी कह रही थी आप उन्हें तभी देख सकते हो जब वो आपको देखना चाहते हो। बट कह रहा था सोच मैं डर गया। अचानक से वहां पर एक हैन आता है। अपुट यदि बहुत ही ज्यादा डर गया था। लिन कहती है वो सिर्फ एक हैन है।
बट लेन से कह रहा था ना कि कपड़े चेंज कर लो। लेन कहती है तुम्हारे दोस्त को परेशानी तो नहीं होगी, बट कह रहा था वो एक अच्छा लड़का है। उसके बाद लेन चेंज करती है और रात भी काफ़ी हो गई थी, बट उससे कह रहा था तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेन कहती है तुम्हारे मतलब मैं सुंदर लग रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो सो जाती है, तभी लेन के हाथ पे एक मच्छर आता है। जैसे ही पुड उसे मारने जाता है लेन की आँख खुल जाती है और वो कहती है तुम मच्छर मार रहे हो। फिर अगले सीन में पुड लैपटॉप चला रहा था एंड तभी लेन उसे पूछती है वो क्या है। पुड कहता है कुछ भी तो नहीं। लेन कहती है वो मेरी पिक्चर है। फिर लेन पूछ रही थी तुम इसके साथ आगे कर क्या रहे हो। पुड कहता है मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। फिर उस वक्त वन लेन का दोस्त आ जाता है जिसे देख कर लेन डर रही होती है क्योंकि उसका दोस्त मारा गया था। पर पुड उससे वैसे ही बात करता है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। पुड लेन से कह रहा था ये क्या है। पुड पूछता है तुम सुबह से कहाँ थे, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। के कह रहा था मैं कब्रिस्तान में था। फिर के बताता है मुझे वो करना है। लेन कहती है जो मरे हुए लोग करते हैं। के कह रहा था तुम क्या कह रही हो। वो कहता है तुम बहुत अजीब बातें करती हो। तभी पुड पूछता है क्या। उसी वक्त के उसे रोक कर कह रहा था जो तुमने कपड़े पहने हैं वो मेरी वाइफ के। पुड पूछता है वो कहाँ है। के कह रहा था वो मारी गई। ये सुन लेन और डर जाती है। इसके बाद के उन्हें खाना खाने के लिए कह रहा था, लेन नहीं खाती। एंड पुड कैसे कह रहा था अब मुझे एक भूत की कहानी बताओ। कि कहता है इस गांव की सच्ची कहानी बताता हूँ। गांव के बच्चे एक ग्रुप बनाकर एक घने जंगल में चले गए और वहां पहुंच वो सीटी बजाने लगे, लेकिन जंगल में सीटी बजाना मना था। फिर वो बच्चे सीटी बजाते हुए आगे बढ़ने लगे एंड तभी उन्होंने कुछ देखा। पुट पूछता है क्या। कि कह रहा था बिना चेहरे का एक भूत। तभी पुट कहता है मुझे स्टोरी लिखनी है। पर के को हंसी आ जाती है एंड पुट उसे धीरे से पीठ पे मारता है। एंड तभी के की आँख निकल कर ग्लास में गिर गई थी। पुट इसे देख नहीं पाता एंड फिर वो अपनी आँख लगा लेता है। पुट कैसे कह रहा था लेन भूत देख सकती है। तभी लेन कहती है क्या। पुट लेन से पूछता है मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई भूत है। के कह रहा था तुम उन्हें देख सकती हो है ना। एंड तभी लेन अपने चारों तरफ देखती है, वहाँ कई सारे भूत थे। तभी पुट पूछता है तुम परेशान क्यों लग रही हो। लेन उसे बहाने बनाकर बाहर लेकर आती है, पर तभी वहाँ पर के भी आ गया था और वो वहाँ पर कह रहा था ये खेत कितने खूबसूरत है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं के लिए दे दी एंड जब ये पक जाए तो तुम इन्हें गरीबों में बांट देना। पुट रिप्लाई करता है तुम ये खुद क्यों नहीं करते। कि कहता है मैं नहीं कर सकता। पुट पूछता है क्यों। कि कह रहा था मुझे अपने परिवार में शामिल होना है इस वजह से। इसके बाद दोनों सोने जाते हैं एंड सुबह जब पुट की आँखें खुलती है तो वो देखता है लेन वहाँ नहीं होती। वो उसे ढूंढने लगता है जहाँ उसे के की बॉडी मिलती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए पागलों की तरह भागता है। लेन बाहर ही बैठी थी एंड पुट उसके पास जाकर बोलता है। लेन कहती है मुझे पता है। फिर पुट कह रहा था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लेन कहती है मैंने कोशिश की थी तुम्हें बताने की, पर फिर वो उसे चिढ़ाती है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पसंद आई। इसके बाद वो जंगल में चले जाते हैं। जब वो पानी के रास्ते से जाने की कोशिश करे थे तभी उनकी बॉडी पर कुछ चिपक जाता है एंड वो दोनों पानी से दूर भागते हैं और एक जगह थककर बैठ जाते हैं। उन्हें भूख भी लग रही थी एंड वो देखते हैं वहाँ केले का पेड़ है। वो लोग वहाँ से केले तोड़कर खा रहे थे एंड तभी उनकी आँख लग जाती है। जब उन दोनों की आँखें खुलती है तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी सीटी की आवाज़ आती है जिसे सुन पुट भी सीटी मारने लगते हैं। लेकिन के की बात याद आती है अब वो पुट को याद दिलाती है। फिर दोनों तेजी से भागते हैं जहाँ उन्हें एक छोटा बच्चा दिखता है। वो उनसे कह रहा था तुम भाग क्यों रहे हो। वो बताता है मुझे सीटी की आवाज़ आई इसलिए मैंने सीटी बजाई थी। फिर वो उन्हें रोड का रास्ता दिखाता है और चले जाता है। इसके बाद वो अपने कैंप पहुंच जाते हैं एंड जब लेन अपने रूम में होती है तो उसे बहुत डर लग रहा था इसलिए वो पुट के रूम में चली जाती है। लेन पुट से फ़ोन मांगती है और अपनी मॉम से बात करती है। लेन पुट का एक पेपर लेकर उसे पढ़ती है और उसमें लिखा था तुम्हारी खूबसूरती का राज। लेन उसे वहाँ पूछ रही थी तुम्हारी स्टोरी की लीड गर्ल ब्यूटी ब्लॉगर है ना। पुट कहता है नहीं। लेन पूछ रही थी फिर ये क्या है। पुट कह रहा था मैं तो ऐसे लिख दिया छोड़ो इसे। तभी लेन कहती है मुझे मेरी स्किन के लिए कुछ चाहिए, क्या वो है तुम्हारे पास। पुट कहता है तो अपना गला काट लो। इसके बाद दोनों छत पर जाते हैं और आसमान में वो तारे देख रहे थे एंड वहाँ वो कहते हैं आज आसमान बहुत साफ है और दोनों वहीं सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो वहाँ पर ओम उनसे पूछ रहा था मेरी पुरानी स्कूटी कहाँ है। उन दोनों को याद आता है उसे तो हमने बीच जंगल में ही छोड़ दिया था। तभी पुट कहता है वो तो वापस आ जाएगी, क्या तुम अपना यंगस्टर दिखा सकते हो। यंगस्टर दरअसल एक बाइक होती है एंड वहीं बैठे ओम नून और विटाया पूछ रहे थे क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। नून कहती है सच में करते होंगे और वो सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद पुट लेन को एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाता है। जब वो कह रहा था ये मेरा ऑफिस है, लेन वहाँ कहती है मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताओ जिसके बारे में तुम लिख रहे हो। पुट कहता है ये बहुत ही अलग है, दो लोग हैं जो प्यार करते हैं लेकिन प्यार के साथ मुसीबतें भी आती हैं। एक दिन उस आदमी को पता चलता है उसके साथ जो लड़की थी उसने रात में अपना सर गले से काट लिया। लेन कहती है क्या तुम पागल हो। फिर लेन अपनी स्टोरी सुनाती है।
वो कह रही थी, जंगल में तालाब के पास दो लोग अपनी बात कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई औरत उनकी बातें सुन रही है, लेकिन उस औरत को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह पास आती है और लड़के के पीछे खड़ी हो जाती है। ये सुन पुट काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वह कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही रियल लग रहा है। इसके बाद दोनों स्कूटी पर घूमने जाते हैं। जब वे एक जगह पर बैठे होते हैं तो पुट उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है और तभी दोनों किस करते हैं। रात को जब सभी लोग साथ बैठे थे तभी पुट के फ़ोन पर टॉड का कॉल आता है और वो लिन से माफ़ी मांग रहा था। लिन ये देख रोने लगती है और कमरे में चली जाती है। पुट लिन को फ़ोन देने जाता है। लिन वहाँ टॉड को कह रही थी, मैं वापस आकर बात करूँगी। एंड फिर लिन कह रही थी, मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें बुरा फील करवाया तो। पुट कहता है, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद लिन बहुत सारे ड्रिंक करती है एंड जब आग कम हो जाती है तो लिन बहुत बड़ी लकड़ी लाकर आग में डाल देती है और फिर वहीं सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुट को देखते हैं जो लिन के साथ बिताए हुए दिन याद कर रहा था। सुबह जब ओम वहाँ का दिखता है तो लिन नीचे गिरी होती है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है क्योंकि वो पूरी जगह जल चुकी थी। इसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है एंड हम लिन और टॉर को एक साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। तो टॉर उसे कह रहा था, मेरा भी एक दोस्त था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, फिर वो ठीक हो गया, मैं एक साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ। एंड वहाँ पर टॉर लिन को पागल समझ आता। उसी वक्त टॉर के पास एक आदमी आकर कहता है, मेरी बेटी आपकी फ़ैन है, एक फ़ोटो ले सकते हैं। वह फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लिन एक दिन जो स्कूटर से उतर ही होती है तभी उसका लॉकेट टूट जाता है। वहाँ वह नोटिस करती है उसमें वो सारी फोटोज़ थी जिसमें पुट उसके साथ था। लेकिन इसके बाद वापस कैब में आती है और सबसे मिलती है, वह सभी थे बस पुट नहीं था। फिर वह पहाड़ के पास जाकर उस लॉकेट को फेंक देती है। उसी वक्त वहाँ पुट आता है और वह कह रहा था, वो मैंने अपने हाथों से बनाया था, उसे तुम्हें फेंक क्यों दिया। उसे ढूंढने लगते हैं तभी वहाँ बारिश आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों के घर में रह रहे थे। लेकिन पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए। पुट कहते हैं, मुझे भूत के बारे में जानना है तो यही रहना होगा। एंड तभी हमें के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि घर मेरा है पर मैं अंदर नहीं आ सकता, लेकिन पुट मैं जरूर आऊँगा और तुम्हें डराऊंगा। एंड में हमें दिखाया जाता है ये एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म है, उन सभी की रियल फोटोज भी हमें दिखाई जाती है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।